एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। 212 मैं क्या मालको? पैसे नहीं है मालको, पैसे नहीं चाहिए, आपसे को मिलने आया। आइए जी, आइए जी, आपको बताया था ना मालकों का स्टाइल है। अच्छा जी, मैं तेरा विद्रोही। मैं भी तेरा विद्रोही। मेरा नाम है तेरा विद्रोही। जुहू वाले नेता जी, हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। शुक्रिया। बिजली गई है क्या? बिजली तो है जी, लेकिन अगर मैं पंखा ना चलाऊं तो आपको कोई एतराज नहीं? नहीं। इसके पास कोई काम नहीं था, इसको पंखा चलाने के लिए रख दिया। अच्छा। वैसे बिजली की बचत भी हो जाती है भाई, इनको पंखा दो, बीच बीच में आओ। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी मैं आयशा का बाप हूँ। आप निशा के भी बाप होते तो मैं आपका क्या कर लेता। नहीं आप समझे नहीं, मेरी बेटी आयशा आपके बेटे विकास, विकास हाँ विकास के साथ प्यार करती है। क्यों? वो प्यार करती है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, बस यही मैं कहने आया था। आप मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं? आपने सुबह क्या कहा था? मुंशी जी जरा फाइल नंबर 3 लेकर आना। फाइल नंबर 3? उस फाइल में मेरी बीवी जब से प्रेग्नेंट यानी गर्भवती हुई थी उस दिन से लेकर कल शाम तक का सारा हिसाब लिखा हुआ है। आप वो सब खर्चा मुझे दे दीजिए और मेरे बेटे को ले जाइए। आप ही टोटल बता दीजिए ना। जरा पंखा तेज करो। टोटल है जी 10,22,555 रुपया 55 नया पैसा। निकल गया, थोड़ा पानी लगाओ भाई। मैं कहाँ हूँ? आइए लीजिए, आ गई फाइल नंबर 3। क्या भावताव हो रहा है, कहीं मेरे बेटे को बेच तो नहीं रहे हो? अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ की है बिका हुआ खोटा सिक्का। आपकी तारीफ। ये मेरी धर्म पत्नी है शांति और ये मेरा बेटा विकास। भाभी जी नमस्ते। अच्छा जीते रहो बेटे, जीते रहो। मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। सच? जी हाँ। पर मेरे बेटे को पसंद तो है ना? जी माँ। अरे मुरारी जाना मिठाई लेकर आ। अरे पागल हो गई हो क्या, इनको डायबिटीज है। मुझे है, है। और अगर नहीं है तो हो सकता है ना कि मीठा खाने से हो जाता है, और फिर आप मेरे होने वाले समधी हैं। मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप बीमार हो जाओ। रुक जाओ भाई रुक जाओ, चलो जी काम की बात करते हैं। ये फाइल की बात आप क्यों बापू, आपने इनसे कोई दहेज वहेज की बात की? 10 लाख मैंने कोई दहेज की बात नहीं की थी। कुत्ता सुनी ना, आप मेरे बापू को नहीं जानते, इनका दिल समुंदर की तरह विशाल है। इन्हें आपकी बेटी सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में चलेगी। क्यों बापू? हाँ बिल्कुल एक जोड़ी में चलेगी, मगर जो मैंने आपको फाइल दी है इस पर जरूर गौर कीजिएगा, इसका पास होना बहुत जरूरी है। बेटा मैं तो सोचता था कि तुझमें सारे तेरी माँ के गुण हैं, मगर तुझमें तो कुछ मेरे भी गुण हैं। आ तेरी ताजपोशी करूंगा, आ जा मेरे लाल, करते अपना नाम रोशन। नमस्ते। विकास कुमार सब कुछ वाला नाम है, आयशा भी उसे पसंद करती है, लो रिश्ता पक्का हो गया। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई दीदी तुमने, लेकिन ये सब कुछ वाला ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। भगवान का दिया सब कुछ ही है उनके पास, और वो सब कुछ विकास का है, इकलौता बेटा जो है, इसलिए सब कुछ वाला। सारे जहाँ से अच्छा। बड़े खुश नजर आ रहे हो। बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो खाना तक भूल जाओगी। आयशा वो घर में नहीं है। नहीं है? अरे तुम लोग पूछोगे नहीं कि क्या बात है? रिश्ता पक्का हो गया मालूम है। अरे विकास ने फोन करके सब कुछ बता दिया है और आयशा उसके पास गई है। यानी सारी एक्साइटमेंट यहीं पे खत्म हो गई। नहीं यार, ये फोन भी ऐसी चीज है ना, सारी एक्साइटमेंट खत्म कर देती है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे उसका नाम क्या है? जी सुनील। अरे भाई उसका भी पता बता दो ताकि हम उसका भी काम तमाम कर दें, अरे उससे भी बातें कर लें। जी मैंने उसको बता दिया है, वो आता ही होगा। शर्मो हया का पर्दा। आइए आइए। लाजवंती नरगिस मेरी। नमस्ते जी। डैडी ये सुनील है। अच्छा नाइस मीटिंग यू। नमस्ते। नमस्ते। गुड 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 गुड। नाइस नाइस नाइस। आइए ना बैठिए ना प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? देखना तो पड़ता है लड़का कैसे। बैठो बैठो प्लीज सिट डाउन। ये है मेरी बीवी चंद्रमुखी। नमस्ते। और ये साला सूरज, मेरा साला सूरजमुखी। आहा तुम ही फाइल लाए हो। लाओ दो
फाइल? यही फाइल मांग रहा हूँ भाइयों और बहनों, साथ लाए हो तो। मगर ये तो मेरी प्रैक्टिकल फाइल है, इसका आप क्या करेंगे? अच्छा, प्रैक्टिकल की फाइल? ओ देखा चंद्रमुखी, कितना होनहार लड़का है। हाँ। बेटे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी वो हरियाणा में खेती करते हैं। किसान? किसान है वो? वाह वाह वाह। फिर यहाँ पे तुम किसके साथ रहते हो? जी अपने ताऊ के पास। हरियाणा के ताऊ? जी वो ताऊ नहीं, मेरे ताऊ जो दीनानाथ जी के यहाँ मुंशी हैं। अच्छा अच्छा, मुंशी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। डैडी, एक मामूली से मुंशी के भतीजे होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खूबसूरत सी बेटी से प्यार करने की? माफ कीजिएगा सर, प्यार धन दौलत खानदान नहीं, सिर्फ दिल देखता है। ये बाप अपनी बेटी का भला देखता है? दुनिया मुझ पर हंसेगी कि ये कैसा बाप है जिसने एक बेटी दी मालिक के घर और दूसरी दी नौकर के घर। पापा, दीनानाथ जी के घर में ताऊ मुंशी है, नौकर नहीं। अरे फिर भी इसकी इतनी औकात कहाँ है जो हमारी नाजों से पली बेटी को ठीक से खिला पिला सके, उसे खुश रखे। लगता है कि आपने कभी प्यार नहीं किया। मैं ममता को हर तरह की खुशी दूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पास धन दौलत नहीं है, मगर प्यार की दौलत बेशुमार है। मुझे अपने बाजुओं पर पूरा भरोसा है, मैं पूरी मेहनत करूंगा, जो कुछ भी कमाऊंगा मिल बांट के खाएंगे। सर मैं ममता को अपने दिल में रखूंगा। बाजुओं पर भरोसा है, दिल में रखूंगा? अबे दिल नहीं हुआ, फाइव स्टार होटल का कमरा हो गया। बाजुओं पे भरोसा है ना, तो जा दे दिया तुझे टाइम, 6 महीने के अंदर अपनी कमाई से एक घर तो खरीद के दिखा दे, शादी करवा दूंगा तेरी। जा, अपने आप को आशिकों का शहंशाह समझता है ना तू? तो जिस तरह शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था ना, उसी तरह तू अपनी ममता के लिए एक 2 कमरे का फ्लैट तो खरीद के दिखा दे इस बंबई शहर में। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुझे मत रोको ममता, घर तो क्या, अगर मुझे अपना प्यार पाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ती ना तो दे देता। सर अब मैं ममता का हाथ मांगने 6 महीने के अंदर ही आऊंगा, वो भी घर खरीदने के बाद, और तब आपको मानना पड़ेगा कि वक्त हमारा है। नमस्ते। जीजा जी, ये क्या किया आपने? अरे देखना चाहता हूँ आज के जमाने के मजनू को कुछ कर भी पाते हैं या फिर सिर्फ लंबी लंबी हांकते हैं। आखिर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। यस। अबे साले, हम यहाँ इतने सीरियस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और यार तुम फोन के साथ लगे हुए हो। जी मैं अभी आता हूँ। जीजा जी, आप अपने घर के प्रॉब्लम से परेशान है, इस वक्त मुझे सारे देश की चिंता हो रही है। क्यों, क्या हुआ? जीजा जी, इंटरनेशनल टेररिस्ट चिकारा, उसके आदमी आसपास दिखाई दिए हैं। चिकारा? कौन चिकारा? दीदी, चिकारा वो टेररिस्ट है जिसने दुनिया के कई देश बर्बाद किए और अब उसकी नजर सारे देश पर है, और उसके आदमियों का आसपास दिखाई देना कोई बहुत बड़ी घटना होने का संकेत है। पता नहीं कब क्या होगा। नीचे सेल्सियस।
मुझे कुछ डाउट हो रहा है। आप लोग कौन है? कौन है आप लोग? मुझे क्रिप्टन और बम बनाने का फार्मूला चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कोई धमकी नहीं दूंगा और कोई गिनती भी नहीं करूंगा। तुम जानते हो तुम कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो। और मैं कोई फालतू बात भी नहीं करता। नहीं! देता हूं।